हाय दोस्तों, उम्मीद है अब तक आपने समा की जो भी कहानियां सुनी वो सब आपको भाई होंगी, लेकिन आज की जो कहानी है वो जरूर आपके दिल को छू जाएगी। तो पेश है एक क्यूट सी लव स्टोरी, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, 90s की लव स्टोरी। जी हाँ, 90s, जब ना मोबाइल था ना एप्स थे, थी तो बस सीधी सादी दिल की चाहते और अनकही बातें। ये कहानी है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऋषि की। ऋषि, जिसे म्यूजिक का बहुत शौक है, वो हर फ्राइडे रिदम हाउस जाता है। आज के जमाने में फोन पर सारे गाने मिल जाते हैं, पर उस जमाने में उन्हें सुनने या खरीदने के लिए रिदम हाउस जैसे म्यूजिक स्टोर्स पर जाना पड़ता था। ऋषि अक्सर वहां जाया करता था, इसलिए सारा स्टाफ उसे जानता था, और जिस सेक्शन में वो जाया करता था वहां की अटेंडेंट थी 18 साल की अनीता। ऋषि म्यूजिक बुक से गाने सुनकर निकलता है, सीरीज छानने लगता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग सर, नाइस टू सी यू अगेन। हे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आई एम ओके। म्यूजिक बूथ में नई रिलीज सुन रहा था, अब जरा सीरीज देख रहा हूँ। तो सर, इस महीने की लेटेस्ट रिलीज में आई है गज़ल-ए-जज़्बात, सुनी आपने? हाँ, मतलब जस्ट हर्ड इनसाइड, एक दो गाने सुने, शुरुआत की कुछ लाइंस बहुत कमाल की हैं। सर, आई वुड हाईली रेकमेंड, आपको ये सीडी तो लेनी ही चाहिए, रिपीट मोड पे सुनेंगे आप, अगर आपको गजल पसंद हो तो। गजल? हाँ, मतलब मुझे पसंद है गजल, सुनता हूँ मैं अक्सर। आप एक काम कीजिए, आप ना सीडी पैक कर दीजिए। क्या नाम बताया आपने? घर की बात, राइट? ना ना सर, गज़ल-ए-जज़्बात। ओह सॉरी मैडम, आपसे ना एक रिक्वेस्ट है। जी? आप ना मुझे सर मत बुलाइएगा, वो बहुत बुढ़ो वाली फीलिंग आती है। ओके, श्योर सर, सॉरी, आई मीन ऋषि। ऋषि देशपांडे। ओके ऋषि, मैं पैक कर देती हूँ। कूल, और तुम्हारा नाम? सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन, मेरा नाम है अनीता, अनीता गुलाटी। ओह, अनीता गुलाटी, नाइस नेम, नाइस टू नो यू अनीता। चलो, नाम तो पता चल गया, वरना इतने दिनों से सर मैडम ही चल रहा था। है ना? हेलो सर, सो हर फ्राइडे की तरह आप आज यहाँ आ ही गए, हैप्पी टू सी यू हियर सर। अरे यार अनीता जी, प्लीज आप इन्हें समझाइए ना। अरे डोंट कॉल हिम सर, क्या हुआ? इन्हें बुड्ढो वाली फीलिंग आती है, हिज नेम इज ऋषि। यस, थैंक गॉड आपका नाम तो पता चला, और ये भी अच्छी बात है कि आपको नाम से पुकारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना यहाँ ज्यादातर कस्टमर्स ऑफेंड हो जाते हैं अगर सर या मैडम ना बोले। हाँ, पर आप अगर मुझे सर बुलाओगे ना तो मैं ऑफेंड हो जाऊंगा। होना भी चाहिए, देखने से लगते नहीं है आप बड़े बुजुर्ग हो, कॉलेज बॉय लगते हो आप तो। यू गेस्ट इट राइट, मैं फाइनल ईयर बीकॉम में हूँ। नाइस, मतलब आप अनीता से सिर्फ 3 साल ही बड़े हो। अरे क्या हुआ? खांसी आ गई। ठीक हो ना? तू भी साथ बता। चलिए मैं बिलिंग कर देती हूँ। हाँ जी, चलिए। हियर आपकी सीडीज, वो मैंने जो सीडी रेकमेंड की है वो सुनकर बताइएगा जरूर। यस श्योर, फर्स्ट थिंग टुडे घर जाकर वो सीडी ही सुनूंगा। चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय अनीता। बाय बाय श्वेता। श्वेता, बाय बाय श्वेता, बाय बाय ऋषि। क्या बात है मैडम, अब नाम से बुलाया जा रहा है उन्हें। चुप कर यार, और तू पागल है क्या? क्या जरूरत है बताने की मैं कितनी छोटी हूँ? अरे तो और क्या करूँ, तुम दोनों का इतने दिनों से आंखों ही आंखों में चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ी जानकारी दे दूँ, तो उसे भी पता चले कि लड़की उससे छोटी है, तो चाहे तो उसे डेट पे ले जा सकता है। आइडिया, नेक्स्ट टाइम ना ऐसा ही कुछ हिंट दूंगी। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो नौकरी तो जाएगी हाथ से, और एक कस्टमर भी। ओ कम ऑन, जिस तरह वो हर हफ्ते आके तुझे यहाँ वहाँ ढूंढता है ना, कोई अंधा भी कह दे वो तुझ में इंटरेस्टेड है। अगर है तो कोई हिंट क्यों नहीं देता? देगा देगा, सब्र रख, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अरे शर्मा रहा होगा। अच्छा छोड़, पहले हम चल के चाय पीते हैं। हाँ चल चलते हैं। तू यार बहुत फिजूल के आइडियाज देती है यार। तो इससे बेटर है क्या तेरे पास कुछ?
तू ना अपना दिमाग चलाना बंद कर दे। तो तू चला दे। तेरी वजह से हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है। चुप करना। बस 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 अभी होगा। हाँ चल चल चाय पीते चल। नहीं सीढ़ी इस रैक में ये कौन सा ये नहीं ये हेलो सर अरे अरे आपने तो डरा ही दिया मुझे सॉरी सॉरी सर इरादा तो नहीं था बिल्कुल भी डराने का पर मैं पीछे खड़ी थी तो सोचा आपको आके मिल लूं क्या हुआ कुछ ढूंढ रहे हो आप नहीं तो कुछ कुछ खास नहीं बस बस अनीता को अरे घबराइए मत मैं नहीं बताऊंगी उसे कि आप उसे ढूंढ रहे थे अरे नहीं पर मैं उसे बट अनीता तो आज आई ही नहीं नहीं आई हाँ मतलब क्यों नहीं आई श्वेता सब ठीक है ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अरे बाप रे आप तो बहुत ज्यादा ही फिक्र करते हैं मैडम की रिलैक्स रिलैक्स मैं मजाक कर रही थी देखना था कि आपका रिएक्शन क्या है एक बात कहूं काफी भारी रिएक्शन मिला आपका श्वेता कुछ पल के लिए तो मेरी हालत खराब हो गई वैसे वैसे ये सब सिर्फ कंसर्न के चलते हैं अच्छा हाँ और कुछ भी नहीं अच्छा ना ना देखो प्लीज डोंट गेट एनी आइडियाज ओके 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 आप कहते तो मैं मान लेती हूँ अरे अरे ये देखो आ गई आपकी अनीता 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 यहाँ इस तरफ हे हाय ऋषि गुड मॉर्निंग वेलकम बैक अगेन On a Friday? Oh, hi. तुम्हारी दोस्त ने तो बताया कि तुम नहीं आई हो तो मुझे लगा शायद तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है और अरे वो तो पागल है मजाक की आदत है उसे फ्राइडे को कहां पर मैं ना हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्यों क्या है फ्राइडे को नहीं वो मेरा मतलब वो कस्टमर ज्यादा आते हैं ना वो से पार्ट टाइम जॉब है जिस दिन नहीं आऊंगी पगार नहीं मिलेगी और पगार नहीं मिली तो पॉकेट मनी भी खत्म एक्चुअली घर वालों से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता ना इम्प्रेसिव इंडिपेंडेंट लेडी हां तो आज तो कोई खास रिलीजेस हुए नहीं ऋषि अरे नहीं अब आज अगर रिलीज भी होते ना तो भी नहीं ले पाता वो इस महीने थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया ना तो अब सीडीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे मेरे पास बस म्यूजिक बूथ में जाकर थोड़े गाने सुन लूंगा और कुछ नहीं कोई बात नहीं वैसे फिजूल के खर्चे करने भी नहीं चाहिए आप म्यूजिक बूथ में जाकर गाने सुनिए मैं जरा दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करती हूँ ठीक है अब सी यू लेटर या श्योर जिस तरह से तू उसे घूर रही है ना उसने देख लिया तो शर्म से गाना ही सुनना छोड़ देगा कुछ भी पर देखना कितना क्यूट लगता है ना कितनी जिंदा दिली है उसमें पूरा मन लगाकर गाना सुन रहा है जिंदगी के हर एक पल को जी रहा है जैसे हाय उसकी यही जिंदा दिली तो भाग गई मुझे यार तो बता देना उसे हाँ और वो बोलेगा सॉरी नॉट इंटरेस्टेड देख इंटरेस्टेड तो वो भी है वरना हर हफ्ते तुझे मिलने के बहाने सीडी पर पैसे उड़ाने नहीं आता आज तो उसके पैसे खत्म हो गए इसीलिए सिर्फ गाने सुनकर चला जाएगा अरे ग्रेट यही तो सही मौका है एक काम कर तू ना उसे अपनी फेवरेट वाली सीडी दे और उसमें ना अपनी दिल की बात लिख दे क्या पता बात बन जाए हाँ नहीं 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 वेरी बैड आइडिया ऐसे ही डरती रहेगी ना तो दिल की बात दिल में ही रह जाएगी श्वेता सोच ले मैं तो चलती हूँ यस मैम कमिंग ओ हाय अनीता हाय तुम्हें ही ढूंढ रहा था बस हो गया आज का गाना सुनना अच्छा सोचा तो मैं इन्फॉर्म कर दूं मिलते अगले हफ्ते बाय ओह ग्रेट सी यू नेक्स्ट वीक ये लो अरे ये क्या है वो आप हमारे लॉयल कस्टमर हो ना तो इसीलिए आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री सीडी स्टोर की तरफ से वाओ बॉलीवुड रेट्रोस हां थैंक्स सुनकर बताइएगा जरूर कि कैसा लगा Shall wait for your reply. Yes, yes, pakka. Okay, अब मैं चलता हूँ हाँ. Late हो रहा है. वरना मम्मी घर में घुसने नहीं देगी. Okay, bye. Take care. See you again. Bye. See you soon. Very soon.
अरे तू आ गया, ला मैं बैग लेती हूँ। अरे नहीं माँ, इतनी भारी नहीं है। अरे अरे भूख लगी है जोर से, खाना दो माँ। हाँ हाँ तो अंदर तो चल, खाना तैयार है, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस देती हूँ। ठीक है। वाह क्या खुशबू है माँ। और तेजी से भूख लग गई। हाँ हाँ तेरी फेवरेट दाल मखनी जो बनाई है, खा ले अच्छे से, आजा। हाँ भाई आ गए बरखुरदार। जी पापा। यार एक बात बताओ, कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं और तुम दोपहर को कड़ी धूप में कहाँ चले जाते हो भाई साइकिल लेकर? और कहाँ, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, रिदम हाउस। अरे अरे पापा मैं छुट्टियों में घर पर रहकर बोर होता हूँ, अब फ्राइडेज को नए गाने रिलीज होते हैं तो वही जाकर सुन लेता हूँ। और पता है मम्मा, पिछले हफ्ते मेरे फेवरेट बैंड ने अपना एल्बम रिलीज किया, बैक स्ट्रीट बॉयज। क्या गाने है माँ, सुपर्ब, मतलब सुनना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ मुझे कैसे पता होगा, पूरा दिन सिस्टम पर वही तो बजता रहता है और मेरे सर में दर्द होता है। अरे कभी तो हिंदी गाने सुन लिया कर बेटा। मम्मा मुझे हिंदी गाने पसंद ही नहीं है, मुझे ना पॉप म्यूजिक पसंद है, इंग्लिश पॉप, जितनी मर्जी सुना दो मम्मा मैं बोर ही नहीं होने वाला। अच्छा है भाई श्रीमती जी, जो मैं काम पर जाता हूँ, वरना तुम्हारी तो बातें सुनकर ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। अच्छा जी, मेरी बातें सुनकर आपके सर में दर्द होता है? अच्छा अगली बार चाय मांग कर देखो। अरे, तो देखो मैं क्या कर रहा था। अरे बेटा बोल। अरे आप लोग नहीं समझोगे, वो पैशन, वो बीट्स अलग ही होते हैं पापा। नहीं नहीं नहीं, अलग होते हैं समझ में आ गया, पर उस दिन तो मैंने देखा कि तुम कोई हिंदी गाने की सीडी लेकर आए थे, वो किसका था? हिंदी गाने? ओ वो तो बस ऐसे ही मम्मा दोस्त ने दिया। दोस्त ने दिया। ब्लशिंग ब्लशिंग। दोस्त ने दिया या सहेली ने? बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, हम उसे जी कर आए हैं। अरे आप भी ना, शुरू कर दी टांग खिंचाई। अरे मैं तो। अरे खाने तो दो उसे ठीक से। बेटा तू खा ले अच्छे से और सुन, फिर थोड़ा आराम कर ले। हाँ बाहर धूप बहुत है, थक गया होगा ना। देखता हूँ माँ, देखो मन किया तो, वरना बैक स्ट्रीट बॉयज अगेन। आहा, पगला गया ये सच में। सर आपके होते हैं 95 रुपीस। थैंक यू सर। ओ हेलो मैडम, घर नहीं जाना है? तू जा, मैं थोड़ा ओवर टाइम करूंगी। अचानक से ओवर टाइम? सब ठीक है ना? नहीं सब ठीक है। कहाँ खोई है? अच्छा तो म्यूजिक बूथ की तरफ नजर गड़ी है मैडम की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने लवर बॉय का इंतजार कर रही है क्या? नहीं बाबा, एक्चुअली लास्ट टाइम उसने कहा था नेक्स्ट वीक आएगा, 3 हफ्ते से ऊपर हो गए, अभी तक आया नहीं ऋषि। Hope all good at his end. अरे बाबा शायद उसकी पॉकेट मनी खत्म हो गई होगी इसलिए नहीं आ रहा है, डोंट वरी। आई होप यही वजह हो, थोड़ी फिक्र हो रही है। यार वो लास्ट टाइम मैंने उसे जैसे तूने कहा था एक सीडी दी थी और उसमें दिल खोलकर बात भी लिखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझे पसंद नहीं करता और खत पढ़कर नाराज हो गया इसीलिए नहीं आ रहा है? ओ, तो ये बात है, तो एक काम करते हैं। एक मिनट, बिल बुक कहाँ है? आई एम ऋषि, ऋषि, हाँ ऋषि देशपांडे, ये रहा उसका एड्रेस, सीधे उसके घर जाकर ही मिल ले, तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पागल है क्या, ऐसे कैसे उसके घर पहुंच जाऊं? उसकी फैमिली होगी, वो क्या सोचेंगे? इसमें सोचना क्या है, जो लेटेस्ट रिलीज है उसकी सीडी ले और पहुंच जाओ उसके घर, कहना कि आप नहीं आए तो आई डिसाइडेड टू गेट यू अ गिफ्ट। अच्छा इससे बुरा कोई रीजन नहीं मिला तुझे? ओ कुछ भी। ओए मैडम यही बेस्ट रीजन है और वैलिड भी, कह देना
आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए स्टोर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कोई भी बहाना बनाकर नहीं जाने वाली हूँ। हेलो आंटी, मैं अनीता हूँ। अनीता, सॉरी मैंने पहचाना नहीं। वो ऋषि देशपांडे यहीं पे रहते हैं क्या? ऋषि? हाँ यही रहता है। जी आंटी, मैं रिदम हाउस से आई हूँ, ऋषि वहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं। अच्छा, रिदम हाउस, अब समझी। हाँ। क्या हुआ, कौन आया था? था नहीं, है। अच्छा। ये अनीता है, रिदम हाउस से आई है ऋषि से मिलने। ऋषि से? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बैठो ना, खड़ी क्यों हो? थैंक यू अंकल। वो ऋषि घर पर नहीं है क्या? बेटा बेटा ऋषि तो आंटी, ऋषि की फोटो पे हार? हाँ बेटा, ऋषि हमारा बच्चा, हम इस दुनिया में नहीं रहा। बट हाँ, वो तो हाँ, he always had a smile on his face. सिंपैथी लेने का कोई शौक ही नहीं था उसे, इसलिए शायद कभी कोई समझ नहीं पाया कि यह राहुल इंसाफ फ्रॉम बात। क्या? But he looked so normal. हमेशा जोश में रहता था, जिंदा दिल, हर पल को जैसे जीना जानता था। ऐसे कैसे? I know. हम भी घर पे कभी उसकी बीमारी नहीं मेंशन करते थे, बिल्कुल नॉर्मली ही ट्रीट करते थे उसे। उसके पैदा होते ही डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ सालों का मेहमान है। क्या? But it was a miracle that he made it through his 21st birthday. खैर। Okay, okay आंटी, मैं चलती हूँ। अरे अभी तो आई हो, कुछ पानी चाय? No आंटी, thanks. मैं तो ये सीढ़ी, एनीवे आई टेक योर लीव। अनीता जरा रुको, आओ मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हें कुछ दिखाना है। जी देखो ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा पहले था, कुछ नहीं छुआ। कम से कम इस कमरे में आकर लगता है कि मेरा बेटा अभी भी मेरे पास है। ये एमजे का पोस्टर, फैन था वो एमजे का, बहुत बड़ा। कहता था जब पैसे कमाने लगेगा तो एमजे के कॉन्सर्ट अटेंड करेगा। ये उसकी फेवरेट बेडशीट थी, और ये इस कुर्सी पर बैठकर ना वो अपने इस गिटार को बजाता था। म्यूजिक उसका पैशन था। सारा वक्त या तो गिटार प्ले करता या अपने फेवरेट बैंड के गाने सुनता। आज भी ऐसा लगता है कि वो यहीं बैठा है, हाथ में गिटार लिए और चेहरे पर मुस्कुरा रखी। अरे मैं भी कहां तुम्हें ये सब बताने बैठ गई, तुम बैठो यहां। अनीता जी, तुम्हारे बारे में
बताया था मुझे ऋषि ने मेरे बारे में। हाँ ये देखो ये खत उसने लिखे थे तुम्हें देने के लिए, पर कभी भी हिम्मत नहीं कर पाया तो ये बस उसके ड्रॉअर में जमा होते रहे। ये लो ये तुम्हारी अमानत है बेटा। तू अनीता 15 अक्टूबर, तू अनीता 29 नवंबर, 13 जून, 6 मार्च, इतने सारे खत। हाँ अनीता फाइनली आज तुम्हारा नाम पता चला। एक्चुअली मैं तुम्हें सच कहना चाहता था। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। वो जो तुमने पिछले हफ्ते सीडी दी थी ना बॉलीवुड रेट्रोस, सॉरी मैंने वो कभी सुनी ही नहीं। एक्चुअली मैंने तुम्हारी रेकमेंडेड एक भी सीडी आज तक नहीं सुनी। इनफैक्ट जैसे तुम देती थी लाकर रख देता था। सॉरी अनीता, एक्चुअली वो मेरी टेस्ट नहीं है। I'm more into MJ and other international pop bands. पर तुम्हें मना ही नहीं कर पाया। वो क्या है ना, यही एक वजह थी जिसके चलते तुमसे बात हो पाती थी। अगर मैं तुम्हें मना कर दूंगा तो तुम फिर कभी रिकमेंड नहीं करने आओगी और फिर हमारी बात नहीं हो पाएगी अनीता। बट डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जब भी आऊंगा ना तो तुम्हें लेटर पक्का हिम्मत करके दूंगा। आई रियली होप तुम्हें बुरा ना लगे। आई लाइक यू अनीता एंड आई लव टॉकिंग टू यू ऋषि। बेटा रो मत, मैं जानती हूँ बहुत देर हो चुकी है, पर बेटा उसकी आखिरी इच्छा थी कि ये खत तुम तक पहुंचा दूं और किस्मत देखो तुम खुद आ गई। सॉरी बेटा, ऋषि जानता था कि आगे क्या होगा इसलिए डर रहा था तुम्हें ये सारे खत देने से। वो सीरीज जो मैंने ऋषि को रेकमेंड की थी वो सब कहाँ है? स्पेशली वो लास्ट सीडी जो मैंने उसे दी थी बॉलीवुड रेट्रोस, वो कहाँ है? हाँ हाँ वो सब रखे हैं उसने, संभाल कर रखे हैं। कभी एक भी नहीं सुनी लेकिन संभाल के सारे रख दिए उसने तो कभी। लेकिन कहाँ है वो, कहाँ रखे? इसी ड्रॉअर में है ना? हाँ वो जो देखो लेफ्ट साइड में रखे। पर बात क्या है अनीता, उसने कभी इसे खोल कर भी नहीं देखा। अरे क्या हुआ, क्या है इसके अंदर, दिखाओ मुझे। दिखाओ। अरे इसकी तो पैकिंग कटी हुई है, क्या है इसके अंदर? खत? ये खत इसमें किसने रखा? मैंने रखा था। सील थोड़ा सा कट करके इंसर्ट कर दिया था, होपिंग दैट ही विल रीड व्हेन ही ओपन्स, पर उसका कोई रिएक्शन ही नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि शायद वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, इसीलिए अवॉइड कर रहा है इस बारे में बात करने से।
ये वो लास्ट सीडी है जो मैंने उसे दी थी। सॉरी आंटी, मैं जा रही हूँ। I'm really sorry for the loss. दिखाओ मुझे। हाय ऋषि, आज फाइनली हिम्मत करके तुम्हें बता रही हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जब भी तुम्हें म्यूजिक बूथ में गाना सुनते देखती हूँ तो मन करता है मैं भी अंदर आ जाऊं और हम साथ में गाना सुने और झूमे। तुम बिल्कुल खो जाते हो उन गानों में। हर फ्राइडे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। आज पहली बार तुम्हें लिख रही हूँ। क्या पता शायद तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैं घुमा फिरा कर यहां वहां की बातें नहीं करूंगी। आज सीधा दिल की बात लिख रही हूँ। अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो अगली बार आओगे तो बता देना। अगर नहीं भी है तो भी बता देना। कश्मकश तो खत्म हो जाएगी ना। तुम्हारा इंतजार करूंगी। योर्स अनीता। काश ऋषि अनीता का वो खत पढ़ लेता जो बात जुबान ना बोल पाई। उनके खत एक दूसरे से बोल गए पर अफसोस एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाए। बहुत देर हो गई। तो जनाब, दिल की बात दिल में मत रखिए। क्या पता शायद बाद में मौका ही ना मिले। ऐसे ही कुछ दिलचस्प और प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमें लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक और कमेंट हमारा बहुत दूर तक हौसला अफजाई करेगा। और यदि आपके पास भी कोई स्टोरी हो जिसकी आप ऑडियो स्टोरी करना चाहते हैं तो हमें मेल करना मत भूलिएगा। हमारा मेल आईडी है sama.stories1614@gmail.com। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए समा।